So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today's video is about South Australia. So if you are planning to migrate to Australia, so this news might be a very good news for you because there is a 24 new occupations they are added in the list. And this is a list basically for the offshore applicant. If you are living in Australia, this list not for you. But if you are in your India or Pakistan or whatever your country and you are looking to migrate to Australia, especially these are the 24 new occupation. They are from engineering background. So if you are one of the engineers, so you might be and get this visa. So what are the requirements for this visa, especially for South Australia? So there are three main criteria they are mentioning here. You must have at least 8 years of work experience in the nominated or closely नॉमिनेटेड एरिया, मतलब 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो जिस भी फील्ड के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस इंजीनियरिंग में फंड है जिसमें इसी में आपकी डिग्री हो और उसी में आपका एक्सपीरियंस हो 8 साल का, और मतलब क्लोजली रिलेटेड हो, मतलब उसी के अंदर तो वो काम करेगा. और दूसरा उन्होंने कहा है कि यू मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट ए सुपीरियर इंग्लिश लेवल अनलेस यू होल्ड ए, मतलब अगर आप जो है इफ यू आर नॉट फ्रॉम यूके और यूएस और न्यूजीलैंड आयरलैंड और कनाडा, ये 5 कंट्रीज अगर आप नहीं है, यू आर फ्रॉम एनी अदर कंट्री, फॉर एग्जाम्पल यू आर फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान, देन योर इंग्लिश मस्ट बी ए सुपीरियर इंग्लिश. सुपीरियर इंग्लिश मीन्स दैट 8 जो बैंड है आईएल्स का उसके इक्विवेलेंट आपका आना चाहिए, या तो आपका इंग्लिश आईएल्स दिया हो आपने, या आपने पीटी दिया हो, है ना, कोई भी जो इंग्लिश का टेस्ट वो दिया हो, आपकी सुपीरियर इंग्लिश होनी चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. और नंबर 3 पर उन्होंने कहा यू मस्ट स्कोर एटलीस्ट 85 पॉइंट फॉर द स्किल्ड वर्क रीजनल वीजा एंड इन द डिपार्टमेंट, मतलब आपके जो स्कोर है आपके अगर 70 पॉइंट्स हैं तो आप इस वीजा के लिए फाइल कर सकते हो. 70 का मतलब ये है कि 70 आपके अपने पॉइंट्स होंगे और 15 पॉइंट ये स्टेट आपको दे देगा, तो ये आपकी 85 पॉइंट्स जाएंगे और ये आपको वीजा मिल जाएगा. तो ये 3 पॉइंट से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश आपको सुपीरियर होना चाहिए और जो है आपको जो है 85 पॉइंट बन रहे हो टोटल, तो ये आपको वीजा मिल जाएगा साउथ ऑस्ट्रेलिया का. तो ये आप देखते हैं कि ये 24 जो ऑक्यूपेशन है कौन कौन से ऑक्यूपेशन में कौन कौन से ऑक्यूपेशन आ रहे हैं. तो ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया की ये लिस्ट है. और तो उसमें उन्होंने कहा ये जहाँ पे ये दुआ ये है एनजीको कोर्ट, इसी की बेस पे आपका स्किल असेसमेंट होगा आपकी डिग्री का, जैसे कि आपने अगर बीटेक किया है या आपने बी किया या बीएससी इंजीनियरिंग किया है ना, तो उसकी बेस पे ये एक कोड है. तो इंजीनियरिंग मैनेजर हैं आप या केमिकल इंजीनियर हैं, मेटेरियल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर है, जियो टेक्निकल इंजीनियर है या क्वांटिटी सर्वेयर है, स्ट्रक्चर इंजीनियर, ट्रांसपोर्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बहुत सारे इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोडक्शन, माइनिंग इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग. देखिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हियर इफ यू आर लाइक बी टेक और एम टेक यू आल्सो कैन अप्लाई हियर. सो एनवायरमेंटल इंजीनियर, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल, सिविल इंजीनियरिंग, यू नो, तो ये सारे के सारे इन्होंने 24 ऑक्यूपेशन दिए हुए हैं. तो अगर आप इनमें से कोई भी हैं और इफ यू आर नॉट इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब आप जो है ऑफशोर हैं, तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो इस वीजा की जो कंडीशन थी ये बहुत ही इजी कंडीशन है, बेसिकली 70 पॉइंट्स आपके हो जाएंगे. हाँ, एक थोड़ा सा कंडीशन ये हो सकती है कि आपके जो पॉइंट्स हैं इंग्लिश वाले सुपीरियर वाले, अगर आपका नहीं आ रहा है स्कोर 8, तो आप जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए, बार बार दीजिए, है ना. और मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा चांस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि बहुत टाइम से जो है ये लिस्ट निकली नहीं थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये लिस्ट निकाली है. तो अब मैं समझता हूँ बेसिकली ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो. और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.